श्रीमंत बाजीराव, आप आरंभ कीजिए। बताइए पूरी सभा को कि किन परिस्थितियों में आपने मस्तानी को तलवार देकर उनसे विवाह किया था। मस्तानी की वीरता से प्रभावित होकर मैंने उसे वो तलवार दी थी। काशी भाई, हम पूरे दरबार को बताना चाहते हैं कि बुंदेलखंड में एक तलवार को पुरुष की उपस्थिति माना गया है। यानी आपके यहाँ तलवार लेने का अर्थ है विवाह की स्वीकृति। जी, आपकी मांग जायज है मस्तानी। किसी भी स्त्री की मान्यता अनुसार अगर उसका विवाह होता है तो स्वीकृति ना मिलना दुखद है। लेकिन केवल एक और प्रश्न मस्तानी, तलवार लेते वक्त आपने अपनी सहमति दी, अपनी स्वीकृति दी इस विवाह प्रस्ताव के लिए, लेकिन पेशवा बाजीराव, क्या तलवार देते वक्त आपको इस रीति के बारे में कोई जानकारी थी? क्या आप इस रस्म से परिचित थे? क्या आप जानते थे कि मस्तानी को तलवार देकर आप उनसे विवाह कर लेंगे? इस बात से क्या फर्क पड़ता है जब मैंने उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया है तो? आप अब मानते हैं? क्या तब तलवार देते वक्त आपके मन में विवाह की कोई भावना थी? हाँ, मुझे बाद में पता चल गया था। श्रीमंत, सभा ये सुनना चाहती है पेशवा बाजीराव कि क्या विवाह के लिए आपने मस्तानी को तलवार दी थी? क्या उस वक्त मस्तानी ने या किसी और ने इस रीति के बारे में आपको कोई भी जानकारी दी थी? नहीं, मुझे उस समय इस रिवाज के बारे में पता नहीं था। काशी भाई, हम बुंदेली लोगों में ये प्रथा बहुत ही प्रचलित है। वर्षों से इसी प्रथा से विवाह होते आ रहे हैं, सब जानते हैं। इसमें बताने वाली क्या बात है? लेकिन हम मराठा है, पेशवा है, और हमारे यहाँ अब तक इस रीति के बारे में, इस रिवाज के बारे में, इस प्रथा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। विवाह किसी भी प्रथा से हो, किसी भी रीति से हो, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक विवाह में दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी होता है। मस्तानी, अनजाने में हुआ विवाह विवाह नहीं, छल होता है। पेशवा बाजीराव ने आपको वो तलवार आपके बहादुरी के सम्मान में दी थी, आपसे विवाह करने के लिए नहीं। माफ करना, लेकिन आपका ये विवाह स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाउनलोड कीजिए Zee5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।